दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के सामने, आप ही के चैनल में। तो दोस्तों आपका चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट फेस टू फेस कैम वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं आज पहली बार। आप दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि आप अपना फेस दिखाइए सर, तो मैं आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। तो वैसे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने फेस रिवील किया था, लेकिन वो बहुत पहले की टाइम थी, लेकिन अब मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ एकदम से। तो दोस्तों अब मैं ज्यादातर ऐसा ही ट्राई किया करूंगा, मैं जितनी भी अपनी टैग वीडियोस बनाया करूंगा तो उसके सामने फेस रिवील करके ही बनाया करूंगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर वीडियो बताइए कौन सी जिससे हम रिकॉर्ड कर सके अपने मोबाइल की स्क्रीन साइज को। तो बहुत सारे रिकॉर्डर आजकल आपको मिल जाते हैं एंड्रॉयड के, तो आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड का एक ऐसा ही रिकॉर्डर जो आपको बहुत काम देगा, जो आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्डर आपको एंड्रॉयड पे मिल जाते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिबिलिटी ऑफ योर एंड्रॉयड फोन। तो दोस्तों वो सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा हर बार की तरह लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है, सीधे चलते हैं हम वीडियो पे, आपको बताते हैं कि बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है। तो आप देख लीजिए वीडियो को और जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा पहला स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसको बोलते हैं ADV स्क्रीन रिकॉर्डर, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आप इसे खोलेंगे यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाके आपको ये ऑन करना होता है, और जैसे ही आप ऑन कर देंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। ADV स्क्रीन रिकॉर्डर विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ शो होगी उसको स्टार्ट करके आप शो कर सकते हैं, लाइक मैं इसके स्टार्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्डर तो वो चालू है जिससे मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके दोस्तों, यानी कि AZ स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे मैं मोबाइल स्क्रीन करके आपको शो कर रहा हूँ। दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर ये आपका ADV के नाम से है जो स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस पर आप क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पॉज भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं ADV की स्टार्ट हो गई है। ओके दोस्तों, उसके साथ साथ AZ स्क्रीन रिकॉर्डर भी मेरा चल रहा है, तो उसके बारे में आपको फर्दर अलग बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो मेरी ADV स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर है। तो देखिए दोस्तों मैं जैसे जैसे जो चीज़ें परफॉर्म करता जाऊंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे शो होती जाएंगी। मैंने वीडियो कर दी पॉज और मैं इसे कर सकता हूँ सेव। ओके दोस्तों, मैं सेव भी कर सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी ऑप्शन है दोस्तों, फेस कैम भी है शो करता है। इस ऐप की खास बात यह है ये आपको फेस कैम भी दिखाता है इसी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ही आप यूज़ करते जाएंगे फेस कैम भी आपको शो करेगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एडिट का, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेटिंग के साथ। अब बात आती है दोस्तों इस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सेव कहाँ होती है। आपको दोस्तों ये या तो इंटरनल स्टोरेज में ज़्यादातर मिल जाती है, मैं आपको शो कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। जैसे ही आप जाएंगे अपने इंटरनल स्टोरेज में वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें आपको ADV स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सेव हो चुकी है, और ये बहुत सबसे अच्छी बात ये है ये आपको कम स्टोरेज लेती है, हाई रेजोल्यूशन में आपको सेव करती है वीडियो लेकिन कम स्टोरेज लेती है, तो काफ़ी अच्छी ऐप है, यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों आज की ऐप में इतना ही है, काफ़ी अच्छी ऐप है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।